मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आंसर की चैलेंज के बारे में, ओमार चैलेंज के बारे में। साथ ही साथ एक अहम पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जो ये आंसर की रिलीज हुई है, इसमें हरेक स्टूडेंट के, तकरीबन स्टूडेंट के मार्क्स कम हुए हैं, किसी के 5 मार्क्स कम हुए हैं, किसी के 10 मार्क्स कम हुए, तो क्या इससे कट ऑफ पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? जो ये बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं, इनसे क्या कट ऑफ पर कुछ फर्क पड़ेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने बुक लिख दी है, क्योंकि इस जानकारी के अभाव में अच्छे मार्क्स होते हुए भी स्टूडेंट यह नहीं कर पाता है जजमेंट कि मेरे को कौन सी कॉलेज लेनी है, कौन सी कॉलेज अच्छी है, उसकी पिछली रैंकिंग क्या थी, क्या उसकी फीस है। तो ये सब के बारे में मैंने इन बुक में लिख दिया है। बुक ऑल इंडिया कोटा स्टेट की और आयुष वेटनरी सभी की अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं काउंसलिंग के बारे में, वो सब कुछ इसमें डाल दिया है। रात दिन मेहनत के बाद ये बुक तैयार की है, आपके लिए काफी हेल्पफुल। तो अभी हम वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सबको पता है आंसर की रिलीज हो चुकी है, ओमार भी रिलीज हो चुकी है, आप इसको एनटीए की वेबसाइट पर देख सकते हैं, नीट की वेबसाइट पर। और इसकी चैलेंज करने की जो लास्ट डेट है वो आज है, यानी कि 17 अक्टूबर 2021 आज इसकी लास्ट डेट है। तो इसको अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, आंसर की को चैलेंज करना चाहते हैं, तो आज शाम तक इसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आपकी ओमार सीट है उसको आप टेली कर ले रिस्पॉन्स सीट के साथ में। जैसे ही हम ओमार चैलेंज पर क्लिक करते हैं, व्यू ऑब्लिक चैलेंज पर करते हैं, तो आपको वहां एक तो आपकी ओमार की स्कैन्ड कॉपी मिलेगी, उस पर जैसे ही आप क्लिक पर क्लिक करते हैं, नीचे एक एक्टिवेशन लिंक है, उसमें उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं चैलेंज के लिए, तो उसमें आपको एक रिस्पॉन्स सीट दिखाई देगी कि आपकी ओमार सीट से एनटीए ने कौन सा आपका आंसर कैप्चर किया है। तो आपकी ओमार सीट को और उस रिस्पॉन्स सीट को आप टेली कर लें, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें आपको ये प्रॉब्लम लग रही है कि मेरा ये आंसर एनटीए ने गलत कैप्चर किया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके चैलेंज की भी लास्ट डेट आज 17 अक्टूबर 2021 है। तो ये सारी बातें तो आपको पता चली गई होगी, मैंने वीडियो में भी बता दिया था, आपने टेली भी कर ली होगी, नहीं किया है तो कर ले, और अगर चैलेंज करना है तो आज शाम तक चैलेंज कर दे। अब बात करते हैं आंसर सीट देखने के बाद में जो बच्चों का रिस्पॉन्स आया है उसको देखते हैं। तो आंसर सीट देखने के बाद में हर एक बच्चे, यानी कि जो मेरे संपर्क में अभी बच्चे आए हैं, तकरीबन स्टूडेंट्स के 5 से 15 मार्क्स तक कम हो रहे हैं। कम का मतलब यह है कि किसी ने आंसर सीट में दो राउंड कर दिए, उससे उनका मल्टीपल क्वेश्चन में चला गया, स्टार लग गया, किसी ने पेपर में टिक कर दिया, ओमार सीट में नहीं भरा है। तो ये गलतियां इस बार काफी हुई हैं। ये गलती होने का कारण ये था कि इस बार 200 क्वेश्चंस थे पेपर में, लेकिन टाइम 180 मिनट्स ही था, टाइम 180 मिनट्स ही था। इसलिए हर बार की बजाय इस बार ये गलतियां स्टूडेंट से ज्यादा हुई हैं। तो जैसे ही उन्होंने एग्जाम के बाद में कोचिंग के आंसर की मिलाई थी, तो ये जजमेंट नहीं कर पाए थे कि इसका हमने डबल राउंड कर दिया या फिर ये हमने टिक नहीं किया, तो ऐसी गलतियों को वो उन्होंने नजरअंदाज किया था, इसलिए उनका स्कोर 5 या 10 मार्क्स ज्यादा हो रहा था। जब ये आंसर की रिलीज हुई, ओमार रिलीज हुई, तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो सामने आई, तो हरेक स्टूडेंट के 5 से 15 मार्क्स तक कम हो रहे हैं। तो ऐसी गलती इसलिए हुई है कि क्योंकि समय कम था, क्वेश्चंस ज्यादा थे। बाकी हमें लगता है, हर एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है, एक पछतावा होता है
कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा था, मैंने एग्जाम में क्यों नहीं किया, या फिर ये गलती क्यों कर दी मैंने। पेरेंट्स भी उनकी ये गलती देख के उनको डांटते रहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये है एग्जाम प्रेशर के कारण होता है। बच्चा एग्जाम में इतना प्रेशर में आ जाता है कि वो उसके पास समय ही नहीं बचता। और अब की बार तो समय मिला ही कहां है, अब की बार तो 200 क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर देना है, और ये देखना है कि 10 की बजाय कहीं 11 क्वेश्चन ना कर दूं मैं, क्योंकि पहले वाले 10 क्वेश्चन ही लिए जाएंगे जो ऑप्शनल थे, जो पार्ट बी के थे। तो इस प्रकार की गलतियां इसी कारण से हुई हैं। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, ये सभी बच्चों के साथ में हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही तो कंपटीशन है। हम सोचते हैं ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में सही हो जाता तो मेरे 4 मार्क्स आ जाते, 8 मार्क्स आ जाते, 10 मार्क्स आ जाते, 15 मार्क्स आ जाते, यही तो कंपटीशन है। तो आपको बिल्कुल पछताना नहीं है, जो स्कोर आ गया वो आपकी काबिलियत के अनुसार आया है, ये हम सोचते ही रहते हैं। एग्जाम के बाद कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि घर आने के बाद में वो पूरा पेपर एक्यूरेट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। तो ये एग्जाम प्रेशर के कारण होता है, एग्जाम में ऐसा प्रेशर होता है, और इस बार तो कुछ ज्यादा था, समय कम था, क्वेश्चंस ज्यादा थे, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो आप इससे परेशान मत हो। अभी ये जो मार्क्स कम हुए हैं, जो मार्क्स कम हुए हैं, ज्यादातर स्टूडेंट का यही क्वेश्चन है कि क्या इससे कट ऑफ पर कुछ फर्क पड़ेगा, क्या कट ऑफ और डाउन जा सकती है क्या। तो इससे कोई कट ऑफ पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब हमने ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी उस समय इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी। अभी फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स का पेपर इतना टफ तो नहीं था लेकिन लेंथी बहुत था। अगर ये 180 क्वेश्चन होते और 180 मिनट से होता तो स्टूडेंट की 10 मार्क्स फिर इसमें इंक्रीज होते। अगर ये 200 का पेपर था और 200 मिनट से स्टूडेंट को दी जाती तो हर एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स फिर भी इंक्रीज होने थे, क्योंकि फिजिक्स का पेपर लेंथी था। तो ये सब देखते हुए ये कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो प्रेडिक्ट की थी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए की थी, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए की थी। इसके बाद जो आपके 15 क्वेश्चन थे उनमें 10 क्वेश्चन करने थे, उन सब को ध्यान में रखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स इसमें कम होंगे जो अभी जोड़ रहे हैं आंसर की से, कोचिंग के आंसर की से। तो ये सब बातों का हमने ध्यान रखे ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी। तो ये एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी थी इसके बारे में, क्योंकि काफी स्टूडेंट हताश हो रहे थे कि मेरे तो मार्क्स कम हो गए। तो ये सभी के मार्क्स कम हो गए हैं, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद आपकी रैंकिंग आ जाएगी, उस रैंकिंग से सब कुछ एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ एडमिशन हो सकता है, कौन सी कॉलेज मिल सकती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, इसलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।